फिर रजामुरा जी के अपनी भारी भरकम आवाज़ में, दोस्तों मैं आप लोग के सामने आया हूँ और आप लोग का जहन आवाज ये आशीर्, मतलब ये आदावर से ऐसे इस तरीके से उन्होंने बात किया। फिर प्रेम चोपड़ा जी के, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम ऐसे इस तरीके से गए वो, और वो बॉबी वाला डायलॉग बोला तो वो भी पब्लिक खुश हो गए। फिर आखिरी में मेरा टर्न आया और दूसरे भी आर्टिस्ट थे पीछे, तो लोगों ने कहा हम तो स्टेज पर नहीं जाएंगे। फिर मैं गई जब, तो उन्होंने फरमाइश किया कि शिवाला को मारवाड़ी गाने पे डांस करना है। अच्छा, मारवाड़ी गाने से किन, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालास इंटरटेनमेंट। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं फिर से आ गई हूँ अच्छा एक न्यूज़ लेकर आप लोगों के सामने, जो कि मेरी न्यूज़ है, मेरे परफॉर्मेंस का न्यूज़ है, मेरे ज़िंदगी का न्यूज़ है और मेरे लाइफ की कुछ बातें। तो फिर से आ गई हूँ मैं मज़ेदार बातों को लेकर। और आप सब क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोग इस समय क्या कर रहे हो? बॉम्बे में तो बहुत बरसात हो रही है और आंधी तूफान जैसे हो रही है, सुबह से ही बस हो रहा है और बस ऐसे ही है। और ज़िंदगी है, चलती रहेगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों को लेकर फिर से आ गई हूँ। दोस्तों स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में शिवालास इंटरटेनमेंट में। तो एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया दोस्तों, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरी एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था 15 अगस्त और 92 में हम लोग शूट करने गए थे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो वहाँ पे मैं पहली बार गई थी और उस टाइम पे नवरात्रि चल रही थी। तो 92 की बात मैं कर रही हूँ, 92 की बात कर रही हूँ। तो मैं चित्तौड़गढ़ पहुँच गई हूँ, कट टू होटल में पहुँची। होटल का नाम था मीरा होटल और मीरा माधुरी या मीरा होटल था, तो आई एम श्योर मीरा होटल था। तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद अपना अपना रूम हमने ले लिया है। लेने के बाद शूट कुछ एक दो दिन के बाद शुरू होने वाली थी, तो नवरात्रि मेरा फास्टिंग भी चल रहा था उस टाइम पे। तो मेन कहानी जो है मज़ेदार है और प्रैंक भी बोल सकते हो, प्रैंक विथ न्यूज़, यू नो। तो ऐसा है कि हम लोग शूट कर रहे थे और जिस हवेली में शूट कर रहे थे उस हवेली में ही हम लोग रहने का भी प्रबंध कर रहे थे, कभी होटल में जाना कभी हवेली में रहना। तो उस दौरान क्या हुआ कि राजस्थान में चित्तौड़ में एक मेला लगता है और नवरात्रि में, उसको बोलते हैं घनघोर का मेला। और घनघोर के मेले में सब लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं वहाँ के लोकल लोग, और वहाँ पे कुछ खाने पीने से सब चीज़ें मिलती है। तो वहाँ पे हम लोग पहले शूट कर भी चुके थे उस मेले के सीक्वेंस पे मॉर्निंग में। तो शाम को हमें उन लोगों ने हमें इनवाइट किया शाम को कि आप लोग आइए। और साथ ही साथ मेरे साथ थे शक्ति कपूर जी और रोनित रॉय, रोनित दादा, और उसके साथ प्रेम चोपड़ा जी और रजा मुराद जी और काफ़ी अरुण बख्शी, काफ़ी आर्टिस्ट उसमें हम लोग साथ में थे। तो सबको इनविटेशन दिया गया, तो हम लोगों ने दो गाड़ी की वहाँ से, और मेला काफ़ी डिस्टेंस में था, घनघोर का मेला जहाँ चल रहा था, तो वहाँ पे हम लोग गाड़ी से पहुँचे। और तकरीबन उस टाइम पे हो रहा था 9:30-10 बजे। तो क्या बैक स्टेज पे ना सब चल रहा था, मस्त पार्टी वटी चल रही थी। तो शक्ति जी तो बोल रहे थे, शक्ति जी क्या बोल रहे थे पता है, बताते हाँ, शक्ति जी ये बोल रहे थे कि देखो शिवाला तो स्टेज परफॉर्मेंस करती है और जाके तो सबको एकदम फाड़ डालेगी परफॉर्मेंस में, तो एकदम एक नंबर परफॉर्मेंस करते, हम लोग क्या करेंगे। तो रोनित का भी वही था, रोनित दादा का भी वही था कि हाँ हम लोग तो क्या स्टेज पे कुछ बोल नहीं पाते, हम तो कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं। तो ये सब चल रहा था। तो मैंने कहा देखो, मैं बोला नहीं, शिवाला जाएगी तो वॉन्स बोर्ड लेके आएगी, ऐसा वैसा, वाह क्या बात है शिवाला ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आप लोग समझो मेरे बारे में, नहीं नहीं तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, फिर वहाँ स्टेज पे जाके तो फिर ऐसे करने वाले हो। और तकरीबन वहाँ 15-20 हज़ार लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो सब ने कहा कि हम लोग पहले जाते हैं, शिवाला को पहले नहीं भेजना है, नहीं भेजना है पहले। तो शक्ति जी ने कहा कि भाई मैं पहले जाऊंगा, पहले जाके बात करूंगा पब्लिक ऑडियंस में, और सब मूड में थे एकदम, मूड में समझे ना, मूड में एकदम। तो शक्ति जी गए
जाके बोला, हाउ आर यू, सब दोस्त कैसे हैं, नमस्ते आप सबको, ये वो प्रणाम, मज़ा बहुत मज़ा मस्ती किया उन्होंने। फिर अरुण बख्शी जी गए, वो दुनिया का ठा 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 कुछ एक गाने उन्होंने गाया और गाना अच्छा रहा उनका। फिर रजा मुराद जी गए अपनी भारी भरकम आवाज़ दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आया हूँ और आप लोग का जहन आवाज़ ये आशीर्, मतलब ये आदावर से ऐसे इस तरीके से उन्होंने बात किया। फिर प्रेम चोपड़ा जी गए, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम, ऐसे इस तरीके से गए वो, और वो बॉबी वाला डायलॉग बोला तो वो भी पब्लिक खुश हो गए। फिर आखिरी में मेरा टर्न आया और दूसरे भी आर्टिस्ट थे पीछे, तो लोगों ने कहा हम तो स्टेज पे नहीं जाएंगे। फिर मैं गई जब, तो उन्होंने फरमाइश किया कि शिवाला को मारवाड़ी गाने पे डांस करना है। अच्छा, मारवाड़ी गाने से एक इंसिडेंट ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा होगा वो मेरा, वो जाके वो एपिसोड देखिएगा ज़रूर। तो मैं उस टाइम पे ना पुख्ता हो चुकी थी, मतलब पक्का हो चुकी थी मारवाड़ी सॉन्ग में और डांस में ना, जिस वक्त मैं शूट में गई थी। तो मुझे कहा कि आपको एक गाना गाना है और डांस भी करना है साथ में, दूसरे गाने पे डांस करना। तो मैंने कहा ठीक है, हिंदी गाने में मैं डांस कर लूँगी, मारवाड़ी गाना में गा देती हूँ। तो गाना ये था, दो लाइन में गा रही हूँ, ज़्यादा नहीं गाऊँगी। हिवरे से दूर मत जा, लग जाए तांवरिया, ऐसा कुछ गाना था। तो हाँ, हिवरे से दूर मत जा, लग जाए तांवरिया, ये गाना था। तो आप लोग बताना इसके आगे के वर्ड्स क्या है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो लोगों ने वाओ क्या बात है, अरे बॉम्बे से आई है और मारवाड़ी गाना गा रही है। फिर और ढोला ढोल मंजीरा बाजे रे, काली छीट को घाघरो ने छार मारी रे, ढोला और ढोला, ये भी गाया था मैंने। उसके बाद क्या हुआ, फिर डांस की बारी आई, तो उसके बाद उन लोगों ने कहा ऐसा फास्ट नंबर होने चाहिए, तो फास्ट नंबर लगा दिया वो गाना, डॉग डिस्टर्ब कर रहे, हाँ तो गाना लगा दिया, और दिल शहर मेरे मारो घाघरो जो घूमियो, ए घूमियो ए घूमियो ए घूमियो, ये गाना लग गया। फिर ओ मारे आंगना दीवारे तजर नारे डारे रारा, ओ गारे कारे, ये गाना, रंगीलो मारो ढोलना, ये भी गाना लगा दिया। और वंस मोर, सीटियां तालियां, औरतें डांस कर रही हैं और से ऐसा हु करके सब अपने दुपट्टा उड़ा रही है। मैं पहली बार देखा, मैंने कहा दुपट्टे में लेडीज और ऊपर दुपट्टा उड़ा के डांस कर रही है क्या, सब मूड बोलो भी मूड में थे काफ़ी यार, और काफ़ी मज़ा आया शो में, इतना मज़ा आया। तो मेन कहानी ये है कि उसके बाद हम लोग को फेलिसिटेट किया गया, हमको स्टेज पर बुलाया गया, हम लोग को ट्रॉफी दी गई, फिर सबको हार दिया गया, फिर एक शॉल वगैरह दिया गया, रिस्पेक्टेड वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट किया, तो सबको दिया गया, फेलिसिटेट किया गया। तो एक चेतक दिया गया सिल्वर कलर का, ऐसे चेतक मतलब घोड़ा, एक ऐसे ऐसे ऊपर छोटा सा बच्चा घोड़े का, तो उस पर लिखा था चित्तौड़गढ़ 92 का मेला, सबके नाम पे, तो सबको दिया गया। तो हम लोग लेकर फिर गाड़ी में बैठ के वापस आ गए होटल में। तो होटल में आने के बाद रौनित दादा जो है ना, सबके दरवाजे पर आ रहे, आके बोलते हैं मेरा चेतक देखा गई, मेरा चेतक नहीं मिल रहा है। सॉरी दादा, मुझे याद आ गया इंसिडेंट, इसलिए मैं सुना रही हूँ। तो मेरा चेतक कहीं देखा, मेरा चेतक नहीं मिल रहा है। तो शक्ति जी थे, हसरत शक्ति जी बोल रहे हैं, पता नहीं। मैंने कहा शक्ति जी एक बात बोलूँ मैं, तो बोला क्या, बोला शक्ति, मैंने कहा कि शक्ति जी चेतक में बैठ के ना किसी को लेकर चले गए। सॉरी, तो मस्ती के मूड में बोल रहे थे। तो फिर रोनी दादा का ना चेतक मिला ही नहीं, पता नहीं चेतक कहाँ गायब हो गया, तो वो मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है। तो मैंने कहा दादा को, दादा मेरा चेतक ले, नहीं 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 मैं तेरा चेतक क्यों लूँगा, मेरा वाला चेतक कहाँ घूमा, गाड़ी में ढूंढा सब जगह, कोई कहीं नहीं मिला। तो ये मुझे ना, ये और पता नहीं किसने प्रैंक किया होगा, किसने छुपाया होगा, क्या किया होगा, मुझे आज तक मुझे नहीं पता चला, ना ही रोनी दादा को पता चला होगा। दादा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा आपके पास वो चेतक मिला कि नहीं, वहाँ तो उस टाइम पे तो नहीं मिला था। तो ये चित्तौड़गढ़ की कहानी, मेरी शूटिंग की कहानी 15 अगस्त के दौरान, और बहुत मज़ा आया शूट करते हुए। हम लोग साथ में तकरीबन 15 दिन शूट किया हम लोगों ने, फिल्म आधी से ज़्यादा वहाँ ख़त्म किया। और गाना जो हम लोगों ने चांदी वाली में शूट किया था, जो कि गणेश आचार्य जी ने कोरियोग्राफ किया था गाने को, और गाना भी काफ़ी अच्छा था, हमारी हथेलियों के बीच ढोला मेहंदी लगा दे, तो वो गाना YouTube पे भी है और फिल्म भी YouTube पे आप जाके देख सकते हो। और यही थी मेरी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड कहानी स्टोरी। अगर इस तरीके से स्टोरी आप लोग देखना चाहते हैं, शिवाला को देखना चाहते हैं बार बार, तो आप लोग आइए मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कुछ लोग तो कमेंट्स भी कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।
और आने वाले टाइम पे एक अच्छी सी कहानी लेके आ रही हूँ। और हमेशा मैं बोलती हूँ, क्या क्या बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा शिवालों को आप प्यार दे रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स, इंटरटेनमेंट से भरपूर।